हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास मिश्रा पर। दोस्तों, अभी हमारे देश में एक लहर चल रही है और ये जो लहर है ये स्पेशली चल रही है राजस्थान में। यहां पे तमाम स्रोतों के द्वारा एक डिमांड की जा रही है कि उत्तर बिहार को राजस्थान से जोड़ा जाए। उत्तर बिहार से यहां पे उनका मतलब मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, सीतामढ़ी या फिर सहरसा से है, यानी कि किसी भी जगह के लिए ट्रेन दे दी जाए जिससे जो भी लोग उत्तर बिहार के हैं वो आराम से अपने अपने घरों को जा सके। इसके लिए वहाँ के तमाम जो संगठन है वे अलग अलग लेवल पे मांग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब जो यहाँ पे एक बड़ी मांग की गई है वो किसी छोटे लेवल पे नहीं की गई है बल्कि भारत के संसद में की गई है। और यहाँ पे जो डिमांड की गई है उसके मुताबिक स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस जो कि जयनगर से नई दिल्ली तक जाती है उसका एक्सटेंशन राजस्थान तक करने की डिमांड की गई है। दोस्तों, ये डिमांड किसने की है और साथ ही साथ यहाँ पे राजस्थान के किस शहर तक स्टैंड को एक्सटेंड करने की डिमांड की गई है, आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, तो इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं मेरा आपसे आग्रह, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय भी जरूर बताएं। और कुछ शिकायत आपका है तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो तो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हम इस डिमांड की बात करें तो इसकी डिमांड की है श्रीगंगानगर के एमपी ने लोकसभा में। दोस्तों, यहां पे उन्होंने जो डिमांड की है वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी। यहां पे मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया है, बड़ी संख्या में बसे बिहार के श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण नगरों को जोड़ने वाली गाड़ी को शुरू करने का आग्रह। इसके बाद यहां पे लिखा है कि सांसद ने मिश्रा को अवगत कराया कि श्रीगंगानगर संसदीय क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर बिहार से बड़ी संख्या में श्रमिक व अन्य लोग आकर बसे हुए हैं जिनके बिहार आने जाने के लिए कोई भी सीधी रेल सेवा उपलब्ध नहीं है, यानी कि कोई भी ट्रेन उपलब्ध नहीं है, सबसे पहले यह बताया गया। उसके बाद उन्होंने यहां पर लिखा है, इनकी सुविधा के लिए बिहार के महत्वपूर्ण नगरों को जोड़ने वाली गाड़ी शुरू की जाए या किसी गाड़ी का श्रीगंगानगर तक विस्तार किया जाए। यहां पर सबसे पहले उन्होंने नई ट्रेन की डिमांड की है और यदि नई ट्रेन नहीं दी जाती है तो किसी ट्रेन को एक्सटेंड करने की डिमांड की गई है। उसके आगे यदि हम पढ़ते हैं तो उन्होंने यहां पे लिखा है, इसके लिए गाड़ी संख्या 125612 जयनगर नई दिल्ली जयनगर स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को श्रीगंगानगर तक विस्तारित करने का सुझाव दिया गया है, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस को श्रीगंगानगर तक विस्तार करने की यहां पे डिमांड की गई है। लेकिन दोस्तों, ये तो डिमांड है, क्या यहां पे इस ट्रेन के अलावा कोई और ऑप्शन उपलब्ध नहीं है जिससे श्रीगंगानगर को उत्तर बिहार से जोड़ा जा सके? दोस्तों, इसके लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन है, सबसे अच्छा जो विकल्प है वो है दरभंगा अजमेर एक्सप्रेस को चालू कराना, जिसकी घोषणा वर्ष 2014 के रेलवे के बजट में ही हो गई थी। और यदि इस ट्रेन को अब चालू कराया जाता है तो इसको अजमेर तक नहीं श्रीगंगानगर तक एक्सटेंड करके चलाया जाए जिससे यहाँ के यात्रियों को श्रीगंगानगर तक जाने के लिए एक डायरेक्ट ट्रेन मिल सके, वे अजमेर भी जा सके। लेकिन दोस्तों, यदि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस को एक्सटेंड करवाया जाता है तो यहाँ पे कई तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी होगी। सबसे पहली प्रॉब्लम को तो टिकट को लेकर होगी। दोस्तों, अभी जब ये ट्रेन नई दिल्ली तक जाती है तब इस ट्रेन में 4 महीने की एडवांस बुकिंग होती है, लोगों को टिकट नहीं मिलती। यदि इसका राजस्थान तक एक्सटेंशन कराया जाता है तो यहाँ पे राजस्थान वाले भी इस ट्रेन से यात्रा करेंगे जिससे यहाँ पे एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी टिकट को लेकर। ना तो दिल्ली वालों को टिकट मिलेगी ना ही राजस्थान वालों को टिकट मिलेगी, इस तरीके से दोनों लोग परेशान होंगे। और यदि दोस्तों यहाँ पे हम दूसरी सबसे बड़ी परेशानी की बात करें तो दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन का खत्म होना है। दोस्तों, अभी जयनगर से नई दिल्ली के लिए मात्र एक डायरेक्ट ट्रेन है, यदि इसका भी एक्सटेंशन करवा लिया जाता है तो एक प्रकार से डिस्कनेक्ट हो जाएगा मधुबनी और जयनगर नई दिल्ली से, जो कि एक बहुत खराब बात होगी हमारे संसदीय क्षेत्र के लिए भी और साथ ही साथ दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए भी। तो दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है, क्या इस ट्रेन का एक्सटेंशन होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।